बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है और केंद्र सरकार इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि पिछले 2 साल से कोरोना के प्रतिबंध से देश में मध्यम वर्ग की स्थिति खराब हुई है और देश का युवा बेरोजगारी के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन वह इस महंगाई का बोझ कम करने के बजाय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ऐसा आरोप नागपुर ग्रामीण युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष मंडपे द्वारा लगाया गया। 2014 में केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 3 गुना बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों के बस में नहीं रही। रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का पता नहीं है। आज नागपुर शहर जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस ने हाथों में मोटरसाइकिल लेकर रैली निकालकर केंद्र सरकार तथा बढ़ती महंगाई का विरोध दर्ज किया है। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत और नागपुर ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष मंडपे के मार्गदर्शन में सतीश पाली, राकेश इखर, महासचिव लौकिक लाड़से, सौरभ रंगारी, सावनेर उपाध्यक्ष मयूर पजभावे, नागपुर जिला NSUI महासचिव अनिरुद्ध पांडे आदि के साथ नागपुर जिला युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रमुख रूप से इस दौरान उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।